फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का हमारा प्रतिष्ठा बैच की जो क्लास है उसका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी यूज़फुल मेथड है, पर उसमें क्या यूज़फुल है, कहाँ पे इसका डेली यूज़ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो है पार्ट 13, एंड इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी जो इस टॉपिक पर थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें हमने डेफिनेशन, फार्मूला, ग्राफ, न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था, वो था हमारा पार्ट नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। सेम प्लेलिस्ट प्रतिष्ठा बैच का प्लेलिस्ट है, उसी के अंदर मिलेगा। तो आज की वीडियो जो है पार्ट 13, उसमें हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। तो बच्चों, जैसा इसका नाम पता लग रहा है, एंटी फ्रीज मतलब फ्रीज होने से रोकना है हमें, है ना। किसी ऐसी जगह पे सोचिए जहाँ हम चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो फ्रीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में अगर हम सोचें तो हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल आता है कि अगर हम बहुत ही ऐसे टेम्परेचर पे चले जाएं जहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम है एंड सब जीरो टेम्परेचर है, मतलब क्या माइनस में टेम्परेचर है, एंड उस पॉइंट पे वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, एंड वाटर जो है कार में बच्चों जो इंजन है उसको कूल डाउन करने के लिए रेडिएटर वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बॉयज़ को ज़्यादा पता होगा कि यूज़ किया जाता है वाटर। अब वो वाटर जो है ना, उसे हम चाहते हैं कि वो फ्रीज ना हो, बट टेम्परेचर इतना कम है एनवायरनमेंट में, माइनस में है टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली वाटर तो फ्रीज हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा इंजन है वो ढंग से काम नहीं करेगा और जो गाड़ी है उसमें वर्किंग में प्रॉब्लम आएगी। उसको अवॉइड करने के लिए उस सिचुएशन को, अगर हम उस वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड कर दें, और ऐसा सॉल्यूट ऐड कर दें जो सॉल्यूट बच्चों क्या करें, हमारा उस सॉल्यूशन, इस पानी का टेम्परेचर जो है, फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको जीरो से घटा करके काफ़ी कम कर दे। मतलब अगर -10 हो गया मान लीजिए, बट जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो तो -10 नहीं है, तो वो फ्रीज नहीं करेगा, है ना। तो ये अगर कंडीशन हो जाए और हमारा जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज होने से क्या हो जाए, बच जाए, तो हमें उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो उस कंडीशन में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन उसको बनाना चाहिए, बनाया जाता है, एंड उसके लिए हम पर्टिकुलर एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, एक सॉल्यूट ऐड करते हैं जो उसको एंटी फ्रीज बना देता है। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो है बच्चों, उसके लिए हमें चाहिए होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो पहले मैं इसके बारे में लिखवा देती हूँ, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कब काम आता है। तो सबसे पहली बात कि इन सब ज़ीरो टेम्परेचर कंडीशंस, मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सब ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो से कम है टेम्परेचर कंडीशंस, द वाटर इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स, रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स कैन फ्रीज, ठीक है। द सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन द वाटर इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स कैन फ्रीज। तो टू अवॉइड दिस वी एड अ सॉल्यूट टू वाटर, और वो सॉल्यूट कौन सा होता है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम एंटी फ्रीज बोलते हैं, ठीक है, इसको एंटीफ्रीज भी बोला जाता है, और ये होता है इथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। क्या होता है ये, इथाइलीन ग्लाइकोल, तो ये उसको फ्रीज होने से बचा लेता है। तो ये जो है वो काम करता है जब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस इसका है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस नंबर 2 पे। यहाँ पे भी हम बात करेंगे ऐसे ही वेदर कंडीशंस की। आप जानते हो जहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल, कि सुबह सुबह अगर कोई इंसान बाहर निकले और वो देखे कि गाड़ियाँ जो हैं वो ऑफिस जाना है, पर गाड़ियाँ जो हैं वो स्नो के अंडर जो हैं कम्प्लीटली कवर हो चुकी हैं, या जो घर हैं वो कई लोग सुबह उठ के देखते हैं और देखते हैं कि घर की जो विंडोज़ हैं वहाँ तक बर्फ़ जम चुकी है। तो उस कंडीशन में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिविजुअल पर्सन्स टू क्लियर द स्नो, ठीक है। उस कंडीशन में किसी एक इंसान के बस की नहीं है कि वो इतनी सारी स्नो को क्लियर कर सके, उसको हटा सके, अपने रास्ते से हटा सके, या गाड़ियों पर से हटा सके, घर के ऊपर से हटा सके, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर भी इतना कम है, वो जो आइस है, जो स्नो है वो लूज़ ही नहीं होगा, तो वहाँ से उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो उस कंडीशन में बच्चों, उस कंडीशन में उसको आइस को रिमूव करना वहाँ से, और उसके बाद में इतनी मेन बात तो इतना अमाउंट ज़्यादा है उसका,
तो उसके लिए क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से सॉल्टिंग की जाती है, मतलब सॉल्ट को स्प्रे किया जाता है हवा में हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से डिफरेंट जगहों पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, तो उससे वाटर का और आइस, उसका वाटर का और जो वाटर फ्रीज कंडीशन पड़ा हुआ है वहाँ पे वो, और उस सॉल्ट का रिएक्ट मतलब मिक्सचर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस मिक्सचर का वो लोअर हो जाएगा। मतलब मान लीजिए एक सॉल्ट डाल दिया, वो वाटर से कंबाइन कर गया, अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम हो गया, -55 हो गया समझ लीजिए, तो -55 तो टेम्परेचर जाएगा नहीं वहाँ पे, तो वो जो बर्फ़ जमी हुई थी उसका वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों पिघलना स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत नीचे जा चुका है, उतना तो टेम्परेचर भी नहीं है, है ना। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है कि सॉल्टिंग कराई जाए, किसकी हेल्प से, हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से, और उस कंडीशन में जो है फ्रीजिंग करा दी जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड हमारा जो केस है वो है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स। तो आइस जो है रोड्स पे उसको अगर मेल्टिंग कराई जाए, ठीक है, उसको अगर मेल्ट करा दिया जाए तो क्या होगा, किस तरह से मेल्ट करा सकते हैं हम लोग, स्प्रे करा सकते हैं, स्प्रेइंग ऑफ सॉल्ट, ठीक है, फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स। अब इससे क्या होगा, स्प्रेइंग ऑफ सॉल्ट से सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। अभी जो मिक्सचर है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल सपोज -50, तो इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्टिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जो ये वाला है मान लीजिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है -50 डिग्री, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो स्नो है वहाँ पे, एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज स्नो, द स्नो बिगिंस टू मेल्ट, ठीक है, जो स्नो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो बच्चों इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि अगर NaCl का मिक्सचर कराया जाए आइस के साथ, मतलब कि NaCl स्प्रिंकल करा दिया जाए, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों वो -21 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, -21 भी काफ़ी कम है, इतना टेम्परेचर मान लीजिए आसपास में नहीं है एनवायरनमेंट में, तो NaCl की वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और नीचे चला गया। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड की और आइस का अगर मिक्सचर बना दिया जाता है तो वो बच्चों -55 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो दिस टेम्परेचर इट इज़ नॉट अचीव्ड एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, आइस बिगिन्स टू, स्नो बिगिन्स टू, स्नो बिगिन्स टू मेल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल चीज़ थी यहाँ पे, बस एक तो ध्यान रखने वाली ये है कि NaCl और CaCl2 जो है इनका केस आप ध्यान रखें, एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है इस केस में, और जो पहला वाला था हमारा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, एंड जो लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 14, वो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस उसको पढ़ेंगे, और ये हमारा चैप्टर जो है एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बाय बाय।